रेवाड़ी में शनिवार शाम ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 50 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए। इनमें करीब 40 कर्मचारियों को गंभीर हालत में रेवाड़ी के ट्रोमा सेंटर में लाया गया। फैक्ट्री धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बनी हुई है। सिविल सर्जन सुरेंद्र यादव ने बताया कि कर्मचारियों को बर्न इंजरी है, कुछ को धारूहेड़ा स्थित प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, दूसरे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। रेवाड़ी सिविल अस्पताल में 23 कर्मचारी भर्ती हैं। एक गंभीर मरीज को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर भी किया गया है। करीब 40 कर्मचारियों के झुलसने का अनुमान है। शनिवार शाम करीब 7 बजे फैक्ट्री में रोजाना की तरह कर्मचारी काम कर रहे थे, अचानक जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना के बाद कई एम्बुलेंस की गाड़ी फैक्ट्री में पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। एक एक कर झुलसे कर्मचारियों को बाहर निकालकर ट्रोमा सेंटर और अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। कर्मचारी इतने ज़्यादा झुलस चुके थे कि वह स्ट्रेचर पर भी नहीं लेट सकते थे। दर्द से कराहते हुए पैदल चलकर ही वह इमरजेंसी तक पहुंचे। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे कर्मचारी मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि हादसा कैसे हुआ। करीब 150 कर्मचारी काम कर रहे थे, अचानक से एक बड़ा तेज धमाका हुआ और वहां उसी समय अंधेरा छा गया। हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। जांच अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि गंभीर मरीजों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। अभी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है, जांच चल रही है। ये दारोड़ा में एक जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो। पता यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन भी सारी टीम के साथ लगी हुई है, उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है, हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। और देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए मैं नहीं कह सकता, लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टीमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफर कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ।